हेलो एवरीवन, आई एम सहदेव सिंह चारण। आपकी जो प्रूडेंस जो बुक है, पोएम का जो पार्ट है वो आपका ख़त्म हो चुका है। इंग्लिश लिटरेचर क्लास 12th में जो पोएम का पार्ट है वो आपका पूरा ख़त्म हो चुका है। क्या कौन कौन से जो पोएम मैंने आपको पढ़ाई है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से पोएम मैंने आपको पढ़ा दी है, जिसमें फर्स्ट जैसे मैंने एक बताया है, अ लेक्चर अपॉन द शेडो पढ़ा दिया है, ऑन टाइम 2, द डिवाइन इमेज 3, ट्रीज 4, टाइम एंड टाइम अगेन 5, इफ 6, एंड द टाइगर एंड द डियर 7 पोएम मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। अब अपना जो पार्ट है वो है शॉर्ट स्टोरीज। स्टूडेंट्स के अंदर शॉर्ट स्टोरीज, उसके अंदर हम स्टार्ट, आज से हम उसको स्टार्ट करेंगे। और उसका पहला जो लेसन है, जो पहली जो स्टोरी है, उसका नाम है टुमारो। टुमारो एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, जिसके राइटर हैं जोसेफ कॉनर्ड। जोसेफ कॉनर्ड के द्वारा लिखी गई एक खूबसूरत स्टोरी हम इसको कह सकते हैं टुमारो, जिसको जोसेफ कॉनर्ड ने लिखी है। बहुत ही अच्छी स्टोरी, ये मान सकते हैं हम जोसेफ कॉनर्ड। और ये आप देख रहे हैं कि जोसेफ कॉनर्ड की जो पिक्चर है, ये जोसेफ कॉनरेड हैं, और इनकी पिक्चर मैंने आपको बताई है। बहुत ही अच्छे राइटर थे। अब इनके बारे में कुछ बात हम कर लेते हैं कि कौन थे जोसेफ कॉनरेड, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जोसेफ कॉनरेड पोलिश, ये पोलिश थे, पोलिश यानी पोलिश में पैदा हुए थे। इनको पोलिश कहा जाता है, पोलैंड में जिसको हम कह सकते हैं। 3 दिसंबर 1857 में इनका जन्म हुआ था, 3 अगस्त 1924 और में इनकी मृत्यु हुई थी। वो वॉज अ पोलिश ब्रिटिश राइटर, इसको पोलिश ब्रिटिश राइटर कहा जाता है। रिगार्डेड रिगार्डेड एज वन ऑफ ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट टू राइट इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इनको ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट भी कहा जा सकता है टू राइट इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हो जाने वाले राइटर इनको हम कह सकते हैं। दो ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली अंटिल हिज 20s, ही वॉज मास्टर प्रोज स्टाइल हु ब्रॉट अ नॉन इंग्लिश सेंसिबिलिटी इन टू इंग्लिश लिटरेचर। मतलब इनको पूरी तरह से इंग्लिश बोलना भी नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी? क्योंकि ये पोलैंड के थे, पोलिश थे, इसलिए इनको ज़्यादा पोलिश भाषा आती थी। लेकिन फिर भी वो प्रोस स्टाइल के मास्टर थे, और नॉन इंग्लिश सेंसिबिलिटी इनके अंदर भरी हुई थी। तो इस तरीके से इनमें वो बात देखने को मिलती है। कर्नाट रोट अ स्टोरी एंड नॉवेल, इन्होंने बहुत सारी स्टोरी और बहुत सारे नॉवेल लिखे हैं। विथ अ न्यूटिकल सेटिंग डेट अ डिस्पिक ट्रेल्स एंड ह्यूमन स्पिरिट मिडिस्ट ऑफ वॉट न्यू अ इम्पेसिव इनक्रिबुलेंट यूनिवर्स। यूनिवर्स के बारे में, ह्यूमनिटी के बारे में बहुत सारे ऐसे बहुत सारी स्टोरी इन्होंने, इनके अंदर स्पिरिट छुपी हुई थी, वो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी है। तो हम कह सकते हैं कि किस तरह से जो हमारे जो राइटर हैं जोसेफ कॉनरेड का, हमने एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपके सामने करवाया है। शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा कि ये जोसेफ कॉनरेड है और इन्होंने ये स्टोरी लिखी है जिसका नाम है टुमारो। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। अब हम स्टोरी को आगे बढ़ते हैं, इस स्टोरी का आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या है, इस स्टोरी के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। टुमारो वॉज अ रिटन इन अर्ली 1902, मतलब ये 1902 में लिखी गई थी ये जो स्टोरी है ये, एंड सीरियलाइज्ड इन पॉल मॉल मैगजीन। कहाँ पर? पॉल मॉल मैगजीन के अंदर इसको बताया गया था या लिखा गया था, या पहली बार इसको छापा गया था। इट वाज अ लेटर कलेक्शन इन तेपोर एंड अदर स्टोरीज, इनके कुछ अलग कलेक्शन भी है, और उसके बाद अदर स्टोरीज जो 1903 में आई थी। ऑफ द अदर स्टोरी वॉल्यूम वॉल्यूम वर, और भी अलग इसके वॉल्यूम है, एमी फोस्टर, फोक एंड रेमनसेंस, ये सारे इनके अलग अलग वॉल्यूम हम कह सकते हैं जो इन्होंने लिखे हैं।
इन करंटली अवेलेबल एडिशन देज आर ए सब्सन टेल बाय द नोवेला द सीक्रेट शेयर। तो ये अलग अलग प्रकार के इन्होंने बहुत सारे पोएम, बहुत सारे जो स्टोरी वगैरह इन्होंने लिखी है, उस बात पर भी ये जोर देते हैं। तो ये जो आपकी जो स्टोरी है टू मेडो वॉज रिटर्न इन 1902 में लिखी गई थी, पॉल मॉल मैगजीन के अंदर इसको पहली बार प्रकाशित किया गया, और इनकी अदर स्टोरीज़ भी है, और अदर स्टोरीज 93 में उसमें इनके और अलग अलग वॉल्यूम इन्होंने लिखे उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। अब हम अपनी स्टोरी की तरफ आते हैं, अब हम इसकी स्टोरी की तरफ आते हैं, देखते हैं कि क्या होता है इस स्टोरी में, आगे पढ़ते हैं। कैप्टन हैगबर्ट, कैप्टन हैगबर्ट इसमें अलग अलग कैरेक्टर हैं, बहुत सारे कैरेक्टर इसमें देख सकते हैं, जिसमें कैप्टन हैगबर्ट, उसके बाद हैरी हैगबर्ट, जोसेफ कॉरवेल, जोशिया कॉरवेल जिसमें हम कह सकते हैं, और उसके अलावा बेसी कॉरवेल, ये चार कैरेक्टर जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, ये चार कैरेक्टर इसमें बताए गए हैं, जिसमें कैप्टन हैगबर्ट, हैरी हैगबर्ट, जोशिया है कॉरविल और बेसी कॉरविल। तो ये चारों कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए। कैप्टन हैगबर्ट कौन है? अ रिटायर्ड कोस्टल स्कीपर एंड विडोवर, यानी एक वृद्ध नाविक पद से सेवानिवृत्त, रिटायर्ड कोस्टल स्कीपर यानी एक नाविक, सेलर जो होता है, सेलर जिसको हम कह सकते हैं, एक सेलर है, ये कौन है? एक सेलर है, रिटायर्ड सेलर है, और एक विडोवर भी है, मतलब ये एक विदुर है मतलब। उसके बाद हैरी हैगबर्ट, हिज सन एंड एडवेंचर, हैरी हैगबर्ट इनका बेटा है, कैप्टन हैगबर्ट का बेटा हैरी हैगबर्ट है। जोशिया कॉरविल, अ ब्लाइंड बोट बिल्डर, हिज नेबर, ये इनका किराएदार या पड़ोसी कह सकते हैं हम, किसका? इन कैप्टन हैगबर्ट का, जो एक अंधा है और बोट बनाने वाला है। और बेसी कॉरवेल, हिज डॉटर, इनकी बेटी है जिसका नाम बेसी कॉरवेल है, यानी एक तरफ तो बाप बेटा और एक तरफ बाप बेटी है। तो इसमें हम कह सकते हैं कैप्टन हैगबर्ट, मैंने आपको समझाया कौन है, उसके बाद हैरी हैगबर्ट, जोसेफ कॉरवेल एंड बेसी कॉरवेल। तो इस तरीके से मैंने आपको इसके कैरेक्टर वगैरह सब समझा दिए हैं। तो उससे पहले हम इसको थोड़ा सा समरी इसकी लेसन की मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ताकि हम जब पोएम स्टोरी जब पढ़ें तो अपने को पता रहे कि क्या होना है क्या नहीं। तो एक बार मैं आज खाली आपको इसकी समरी ही समझा रहा हूँ, तो उसको सुन ले बस आप। तो क्या होता है, जो ये स्टोरी है इसमें कैप्टन हैगबर्ट एक वृद्ध नाविक पद से सेवानिवृत्त है, जो मैंने आपको बताया, एक सेलर है, रिटायर्ड सेलर है, और उनका एक बेटा है जिसका नाम हैरी हैगबर्ट है, उनके किराएदार या नेबर्स जो मैंने बताया, जोशिया कॉरविल और उनकी बेटी बेसी कॉरविल, ये सब कहानी के मुख्य पात्र कहे जा सकते हैं। जोशिया कॉरविल एक अंधे व्यक्ति हैं, मैंने आपको बताया था, ब्लाइंड, और जहाज बनाने का काम करते हैं, और वो भी एक कंपनी से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। कैप्टन हैगबर्ट सख्त अनुशासन प्रिय आदमी हैं, जैसे कि कैप्टन हैगबर्ट जो एक नाविक थे वो एक सख्त आदमी हुए, उनका लड़का बुरी संगत के व्यक्तियों के साथ अपनी किशोरावस्था में रहने लग गया था। उनका जो लड़का है, कौन है उनका लड़का कौन है, अभी मैंने आपको बताया था, हैरी हैगबर्ट, जो एक बुरी संगति में फंस गया था, वो
महत्वाकांक्षी था, जबकि कैप्टन उसके वकीलों की कंपनी में कार्य दिलाना चाहते थे। वो तो बुरी संगति में वो ज़्यादा पाने की इच्छा था, लेकिन जो कैप्टन हेगबर्ड थे वो उनको चाहते वो चाहते थे कि जो मेरा बेटा है वो क्या करे। कैप्टन हेगबर्ड चाहते थे कि मेरा जो बेटा है वो क्या करे, एक वकील बने, एक वकीलों की जो कंपनी है उसमें जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो महत्वाकांक्षी था, कैप्टन उसके वकीलों की कंपनी में कार्य दिलाना चाहते थे। पुत्र अपने माँ बाप की जिम्मेदारी से मुक्त रहना चाहता था, वो कोई जिम्मेदारी उठाना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उस उठाना नहीं चाहता था। बेसी एक विनम्र कुंवारी कन्या है, बेसी जो एक कुंवारी कन्या कह सकते हैं, किसकी बेटी है, जोसेफ कॉरविल की। उसके पिता अंधे हैं, इसलिए वह बेसी पर निर्भर रहते हैं। एक तरफ तो बेटा नालायक, उत्तर ये बेटी पिता की भी जिम्मेदारी उठाकर चलती है। कैप्टन ने अपना पुत्र हैरी खो दिया था, क्योंकि उसके पिता के रहन सहन के स्तर में काफ़ी अंतर था। कैप्टन ने अपने पुत्र हैरी को खो दिया था मतलब वो उनके हाथ से निकल गया था। जब वह 14 वर्ष का था, तभी उस अपने घर कोलेस्टर से भाग गया था। अब जो बुरी संगत में फंस गया था, तो वो 14 साल का ही था और वहाँ से भाग गया था। हेगबर्ड और उसकी पत्नी, कैप्टन हेगबर्ड और उसकी जो पत्नी है, सदमे में दुखी थे। कप्तान तो इस दुर्भाग्य से किसी तरह लड़ते रहे, परंतु उनकी पत्नी एक इस दुख को सहन न कर सकी और चल बसी। और उनकी पत्नी अपना बेटा जो 14 साल की उम्र में कौन हैरी हेगबर्ड जो भाग गया था, उसकी याद में चल बसी। कप्तान ने लंदन में प्रकाशित अखबार में एक गुमशुदी की रिपोर्ट दर्ज करवाई तथा खोजकर्ता को उचित इनाम दिए जाने की घोषणा भी करवाई थी। फिर क्या करते हैं कि वो बेटा भाग जाता है तो पत्नी मर जाती है, तो फिर गुमशुदी की सूचना वो अखबार में दिलाते हैं। किन्हीं शरारती व्यक्तियों की अफवाह फैला दी कि हैरी को कोलेब्रुक में देखा गया है। एक जो जगह है कोलब्रुक, वहाँ पर उसको देखा गया है। उस पत्र से उस प्रेरणा मिली तथा उसने अपना कोलेस्टर का पुराना घर बेच दिया और कोलब्रुक में आकर रहने लग गया। उसका जो बेटा है उसकी याद में वो क्या किया, उसने वो पुराना घर बेच दिया और कहाँ पर आ गया, कोलब्रुक में आकर वहाँ पर रहने लग गया कि ताकि उसका बेटा उसको मिल जाए। फिर क्या होता है, उसने अपने बेटे को तलाशने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया। जब वो बेटा कोलब्रुक चला गया था, तो उस बेटे को तलाशने का पूरा प्रयास किया। वह अज्ञात दुकानदारों और बहुत सारे जो बारबर्स होते हैं उनको, विभिन्न जो कम्युनिटीज़ के जो पीपल हैं उनको, और उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर पहचान करने लगे कि वो रंग कैसा है, कैसे, उस तरह से वो लोगों की सहायता से वहाँ पर उसकी पहचान करने लगा। जो लोग जो हेल्पफुल पीपल जो थे स्थान पर, कोई बहुत सारे, तो उसकी हंसी उड़ाने लगे। उसने दो झोपड़ियाँ खरीद ली वहाँ। एक झोपड़ी में वह स्वयं रहने लगा और दूसरी में बेसी तथा उसके पिताजी रहने लगे। वो भी उनके साथ आ गए थे, तो बेसी और उसके पिताजी भी वहाँ पर रहने लगे। वो हैरी की उससे शादी करवाकर उसे अपनी पुत्रवधु बनाना चाहता था। कौन? कैप्टन हेगबर्ड। बेसी जोशिया कॉरविल की जो बेटी थी, बेसी कॉरविल, उससे उसकी शादी करवाकर उसे अपनी जो बहू बनाना चाहता था। एक दिन एक अजनबी द्वार पर आया, वह हैरी के बारे में सूचना देना चाहता था। वह अजनबी स्वयं हैरी ही था, परंतु कप्तान ने उसे अंदर आने की इजाज़त नहीं दी। अजनबी बेसी के पास चला गया और बेसी को उसके गुणों और गुणों को प्रवृत्तियों के बारे में बताया। बेसी को सब कुछ उसने बता दिया। किसने? हैरी हेगबर्ड ने। उसने यह भी बताया कि वह घर छोड़कर क्यों चला गया था। उसने उससे घनिष्ठता बढ़ाई और कुछ पैसों की मांग भी की। यह मतिभ्रम था जो बेसी को हो गया था कि वो उससे दूरियां बढ़ा दी और उससे भी पैसों की मांग करने लगा, यानी उसको भी वो चीट करने लगा। तो ये मैंने आपको खाली आज इसकी जो मेन, जो हम कह सकते हैं कि खाली हम थीम अगर मैंने आपको समझाई है, हम इसको जब पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें बहुत सारी बातें बाकी हैं, क्या क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ, ये सारी बातें वह अभी हम स्टोरी में, जैसे हम कोई स्टोरी बढ़ते हैं तो उसमें बहुत अच्छी बातें भी देखने को मिलती है, तो उस तरह से ये, तो आपको कल जब मैं स्टोरी पढ़ाऊँ तो आपको सारे ये चारों कैरेक्टर आपके दिमाग में
हो जाने चाहिए कि कौन सा कैरेक्टर कैप्टन हेगबर्ट ने आपको बताया, एक रिटायर्ड कोस्टल सेलर कह सकते हैं या विडोवर, जो एक विदूर है, विडोवर यानी उसकी पत्नी मर गई, जो मैंने अभी आपको बताया था कि उसके बेटे की याद में उसकी पत्नी मर गई थी। और हैरी हेगबर्ट उसका बेटा है, एक एडवेंचर मतलब गुमशुदा, यानी घूमता फिरता कह सकते हो हम, एडवेंचर होते हैं ना उस तरह से, तो बेटा घूम भी गया था वो। और जोशिया कॉर्विल एक ब्लाइंड बोट बिल्डर यानी एक जहाज बनाने वाला अंधा व्यक्ति है और उसका नेबर है या उसका किराएदार है। बेसी कॉर्विल उस बेटे की लड़की है। तो इस तरीके से मैंने आपको चारों कैरेक्टर के बारे में इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो ये चारों कैरेक्टर आपको याद होने चाहिए, कैप्टन हेगबर्ट, हैरी हेगबर्ट, जोशिया कॉर्विल एंड बेसी कॉर्विल। तो ये चारों आपको याद हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि ये जो पोयम है, ये जो स्टोरी है, ये 1902 में लिखी गई थी और पॉल मॉल मैगजीन में इसका सबसे पहले इसको पब्लिश किया गया था। दिस इज़ अ वेरी गुड स्टोरी अबाउट रिलेशनशिप फादर एंड सन, फादर एंड डॉटर्स। तो अलग अलग बातें इसमें बताइए। आगे देखते हैं कि इसमें ये जो नॉवेलिस्ट हैं, पोलिश ब्रिटिश राइटर हैं, कौन, कॉनराल्ड, जोसेफ कॉनराल्ड जो है पोलिश ब्रिटिश राइटर हैं और ये ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट भी हैं। इनको कम इंग्लिश लैंग्वेज इतनी नहीं थी, फिर भी इन्होंने बहुत सारी इंग्लिश में स्टोरी वगैरह इन्होंने लिखी, इसके बारे में भी इन्होंने बताया गया है। तो बहुत ही अच्छी ये पोयम कह सकते हैं हम। तो इस तरीके से इसमें बहुत ज़्यादा बातों को भी इसमें बताया है। आगे हम देखते हैं इसमें, ये मैंने आपको फिर से मैं इस पर बता रहा हूँ, ये आपके जोसेफ कॉनराल्ड है और आपकी जो पोयम है उसका नाम टुमारो है। तो इस तरह से आपको ये पोयम पूरी तरह से, इसके कैरेक्टर एक बार और आप देख लें, ताकि कल हम स्टार्ट करें तो आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से पोयम या सॉरी ये जो स्टोरी है इसको हम पढ़ें। तो कैप्टन हेगबर्ट एक रिटायर्ड कोस्टल स्कीपर यानी सेलर कह सकते हो आप, एंड विडोर विदुर हैं, मतलब जिसकी पत्नी मर गई उसी को विडोवर कहते हैं, और जो जिसका पति मर गया उसको विडो कहते हैं। हैरी हेगबर्ट उसका बेटा है जो भाग गया था घर से 14 साल की उम्र में, जो बहुत ही अच्छा कुछ ज़्यादा पाने की इच्छा रखता था, इस कारण से वो अपने घर से भाग गया था। जोशिया कॉर्वेल एक ब्लाइंड बोट बिल्डर है, एक बूढ़ा और अंधा जहाज बनाने वाला व्यक्ति है जो उसका किराएदार है। और बेसी कॉर्वेल उस बूढ़े जहाज बनाने वाले की बेटी है, जिसकी शादी वो हैरी हेगबर्ट यानी कैप्टन हेगबर्ट के बेटे अपने बेटे से करवाना चाहता है कि वो दोनों, और फिर वो हैरी हेगबर्ट कैसे वहाँ पर उसके पास आता है और उससे दूर नज़दीकियाँ बढ़ाता है और किस तरीके से वो उससे भी पैसों की मांग करने लगता है। इस तरीके का पूरी तरह से का इसमें बताया गया है। और इसका जो राइटर है वो है जोसेफ कॉनराल्ड, और ये जो आपकी स्टोरी है जिसका नाम है टुमारो, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको रेगुलर स्टार्ट कर देंगे, किस तरीके से किस प्रकार से हम इस पोयम को स्टार्ट करेंगे। तो ये जो कैरेक्टर हैं ये आपको आई होप समझ में आए होंगे, और बहुत ही शॉर्ट में मैंने समझाया और बहुत दो तीन बार मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो जैसे आप स्टोरी पढ़ोगे तो आपको समझ में आता रहेगा कि क्या क्या, और इसको मैंने समरी भी मैंने आपको लगभग बता दी है कि क्या होने वाला है, तो आपके दिमाग में और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।